पे अभी शायद पानी भी गिरा हुआ है, अभी अभी यहाँ पे बारिश हुई है। तो ये है कार पार्किंग यहाँ की, कार को यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो आ गए हम लोग भूल भुलैया में, और आप लोगों को मैं वहाँ पे सब घुमा के लेके आया हूँ। और ये बिल्डिंग देखिए कुछ इस तरीके की दिखाई देती है भूल भुलैया की। तो हम लोग चलते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ आने की। अगर आप रेलवे से आते हैं ट्रेन से, तो आपको चार बाग यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। और चार बाग से आप मेट्रो से आ सकते हैं। मेट्रो आपको जो है उतारेगी हजरतगंज से लगभग बड़ा इमामबाड़ा की दूरी 5 किलोमीटर के लगभग है। केसर बाग बस स्टैंड पर अगर आप उतरते हैं तो केसर बाग से यहाँ की दूरी लगभग 4 किलोमीटर के लगभग है। अगर आप आलमबाग बस स्टैंड पर उतरते हैं तो आलमबाग बस स्टैंड की दूरी बड़ा इमामबाड़ा से 8 किलोमीटर के लगभग है। लेकिन आप आलमबाग से मेट्रो पकड़ सकते हैं और वह आपको हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर उतारेगी। और मेट्रो स्टेशन हजरतगंज का जो बड़ा इमामबाड़ा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों ये था रूट, अब आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग उस गेट से एंटर हुए हैं, और ये यहाँ पर बीच में एक यहाँ पर गार्डन बना हुआ है, और भूल भुलैया का मुख्य गेट ये है यहाँ पे। और आइए चलते हैं यहाँ से आगे, आगे देखते हैं कि क्या क्या और है यहाँ पे। ये देखिए कुछ यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से टोटल व्यू, और देख सकते हैं। और जो इनमें झरोखे बने हुए हैं, यानी जो खिड़कियाँ बनाई गई हैं, वो इसलिए इस तरीके की बनाई गई थी हर एक रूम में, इसमें क्या उजाले के लिए भी इसको इस तरीके के इन झरोखों को, इन खिड़कियों को बनाया गया कि जो सब रूम में बराबर से उजाला और सूर्य की रोशनी पहुँचती रहे। अब ये कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ से चढ़ने के लिए, आइए हम लोग यहाँ से अब ऊपर चलते हैं। और ये सामने है टिकट काउंटर, यहाँ से हम लोग अभी टिकट लेंगे, और टिकट लेने के बाद में फिर यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे अंदर के लिए। चलिए पहले टिकट लेते हैं। तो टिकट हमने ले ली है, और एक टिकट लगभग 50 रुपये की एक आदमी को मिली है। तो 3 लोग हैं हम लोग, 150 की टिकट मिली है, और 2 बच्चे हमारे साथ में हैं, इनकी कोई भी टिकट नहीं ली है हमने। और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर भीड़ चारों तरफ लगी हुई है। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से अंदर। यहाँ से कुछ व्यू इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ का पूरा, आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं यहाँ पर, ये कब बना है, क्या है, सब कुछ यहाँ पे इस पूरे बोर्ड में आपको फ्रंट पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। और कुछ ये इस तरीके से बना हुआ है, देख सकते हैं। चलिए अब इस गेट से हम लोग अंदर चलते हैं। ये आ चुके हैं हम सभी लोग अंदर। ये मोना इधर है, अधिराज अकी इधर है, और अब है इस साइड हैं। और तो हम लोग यहाँ से एंटर कर चुके हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। और इधर ये मस्जिद बनी हुई है, आपको ये भी दिखाई दे रही होगी। और किस तरीके से यहाँ गार्डन वगैरह बने हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और सुंदर नज़ारा। यहाँ पर हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं इसको देखने के लिए, और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया यहाँ पर आपको ये देखिए कि एक बहुत ही बढ़िया उमदा आपको यहाँ पे कारीगरी देखने के लिए मिल जाएगी। चारों तरफ से ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस मिस्त्री ने इस भूल भुलैया को बनाया था, कहते हैं कि जिस मिस्त्री ने ताजमहल बनवाया था उसका ये बहुत ही करीबी था, यानी उसका रिश्तेदार था ये। चलिए अब यहाँ से अंदर चलते हैं हम लोग। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग अब अंदर आ चुके हैं सारे लोग, और टिकट ले लिए, जैसे कि मैंने बताया था 50 रुपये की एक आदमी की टिकट है। और पीछे आप देख सकते हैं इसका डोर था, पीछे दरवाज़ा, और मैन ये यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, यही मैन भूल भुलैया है। और भूल भुलैया इसमें बनी हुई है, उनको तकरीबन बंद कर दिया गया है, इसलिए कि उनके अंदर आदमी गुम होकर मर ना जाए, इसलिए पहले उनमें हादसे हो चुके हैं, इसलिए उनको बंद कर दिया गया है। और उनके जो कि रास्ते हैं वो बहुत दूर दूर निकले हुए हैं, यहाँ से दिल्ली भी निकला हुआ है, कलकत्ता भी है, और फैजाबाद के लिए भी निकला है, इसलिए उनको बंद कर दिया गया जिससे किसी प्रकार का कोई भी हादसा ना हो पाए। तो चलिए आगे चलते हैं।
भूल भुलैया की दीवार सरिया या सीमेंट से नहीं बनी हुई है। इनकी दीवारों को उड़द व चने की दाल, सिंगाड़े का आटा, चूना, गन्ने का रस, गोंद, अंडे की जर्दी, लाल मिट्टी, चाशनी, शहद, जौ का आटा और लकोरी ईंट के इस्तेमाल से इसे बेहद खूबसूरत बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन कारीगरी से इसे बनाया गया है। अगर आप लखनऊ आते हैं तो इसे आप पक्का देखिए आके, ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इमामबाड़ा की छत के ऊपर जाने के लिए आपको 74 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जो कि ऐसे रास्ते से होकर निकलती है, अगर कोई भी अनजान व्यक्ति उनके अंदर घुस जाए तो वह रास्ता भटक जाएगा और सही जगह पर पहुंचेगा नहीं, और सभी रास्ते जो हैं अलग अलग जगह निकलते हैं जाकर। तो चलिए अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर और बेहतरीन आपको कारीगरी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं हम लोग। अंदर आपको कुछ बेहतरीन कारीगरी के नमूने आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देंगे। ये कुछ इसके छत का हिस्सा है, ये छत के ऊपर जो बाहरी दीवारें हैं वो हैं। अंदर कुछ भूल भुलैया के जो रास्ते हैं वो आपको रास्ता भटकाने के लिए इस तरीके से बने हैं, और सभी रास्ते अलग अलग जगह जाके निकलते हैं। इनके अंदर अगर आप घुस गए तो मुश्किल से निकल पाएंगे। इसकी दीवारों की यह खास बात है कि कोई भी आदमी कितनी भी धीमे फुसफुसा के बात करे, दूर खड़ा हुआ व्यक्ति उसकी सारी बातें सुन सकता है। अंदर आपको एक कुआं देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका बताते हैं कुआं का लिंक गोमती नदी से है, और इसके अंदर जितनी भी कमरे बने हैं सब पानी में डूबे रहते हैं। सिर्फ शेष दो मंजिल हैं जो कि पानी से ऊपर रहती हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर चढ़ने के लिए आपको और उतरने के लिए मिलेंगी। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको बाहर जूते उतारने पड़ेंगे, उसके बाद आपको अंदर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये देखिए कुछ झरोके, देखिए खिड़कियाँ, झरोकों का मतलब आप खिड़कियाँ समझिए किस तरीके से बनी हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन खिड़कियों को इतनी कुशल कारीगरी से बनाया गया था कि इसके अंदर का बैठा हुआ आदमी, और इस गेट से जब आदमी पहले जब ये बना था एंटर करता था तो यहाँ से वो बैठा हुआ आदमी उनको देख लेता था बहुत आसानी से, पर उधर सामने का आदमी इनके अंदर जो बैठा हुआ है उनको नहीं देख पाता था। आपके कारीगर ऐसे चीज़ों को बना भी नहीं पाएंगे। चलते हैं यहाँ से बाहर। पूरा विजिट यहाँ का कर लिया मैंने, आपको सब दिखा दिया है और शायद आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। ये यहाँ पर गार्डन, एक ये बाहर बना है और एक अंदर बना हुआ है, और टिकट मैंने जैसा कि आपको बताया वहाँ पर सामने टिकट मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा, और कुछ यहाँ पे स्टॉल लगे हुए दिख जाएंगे। यहाँ से आप सामान जो नॉर्मल थोड़ा बहुत सजावटी का है वो सामान आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कोई कैमरा या मोबाइल लेके नहीं आते तो आप यहाँ पर फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं, और ये लोग तुरंत प्रिंट करके निकाल के दे देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। चलो भाई, कैसा लगा घूमने में यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा। हाँ, कैसा लगा आज? बढ़िया लगा। चलो भाई, चलो चलते हैं घर पे हैं। अब आ चुके हैं कार पार्किंग में, और हमारी कार यहीं पे पार्किंग है, और हम यहाँ से कार पार्किंग से अपनी कार लेके चलते हैं। 20 रुपये कार पार्किंग की टिकट लगी हुई है और हमारी कार उधर खड़ी हुई है। चलते हैं, लेते हैं कार और यहाँ से निकलते हैं हम आगे के लिए।